आत्म साक्षात्कार क्या है महर्षि? तुम ही आत्मा हो और साक्षात भी तुम ही हो, तो इस साक्षात्कार में कार लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न से लगता है कि तुम स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि या अनात्म मानते हो, अथवा तुम ये मानते हो कि आत्माएं दो हैं, एक साक्षात करने वाली और दूसरी साक्षात होने वाली। ये बात असंगत है और तुम्हारे इस प्रश्न के मूल में है देहात्म बुद्धि। प्रश्न उत्पन्न हुआ है वर्तमान में, तुम्हारी सुषुप्ति में भी क्या यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था? उस समय नहीं हुआ था। उस समय क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? निसंदेह सुषुप्ति में भी तुम्हारा अस्तित्व था। दोनों अवस्थाओं में क्या भेद है कि अभी प्रश्न उत्पन्न होता है लेकिन सुषुप्ति में नहीं होता? वर्तमान में तुम स्वयं को देह मान रहे हो और सुषुप्ति में तुम स्वयं को देह नहीं मानते, मन बुद्धि नहीं मानते। चारों ओर तुम वस्तुएं देखते हो तथा उसी प्रकार आत्मा के दर्शन की आकांक्षा रखते हो। इतना दृढ़ है आदतों का बंधन। इंद्रियां अनुभूति का यंत्र मात्र हैं, उनका प्रयोग करो। तुम दृष्टा हो, दृष्टा रूप ही रहो। इसके अतिरिक्त दृश्य है भी क्या? सुषुप्ति की अवस्था भी ऐसी ही है, तब यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।